पाइप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने सिस्टम क्रिएट की। सिस्टम क्रिएट करने के बाद ऑटो लेआउट जनरेट किया। दूसरी बार हमने पाइप के टूल की हेल्प की मदद से मॉडलिंग की पाइप की मैन्युअली। अब हम पाइप प्लेसहोल्डर की हेल्प से पाइप को क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हमें 3D मॉडल नहीं दिखेगा, सिर्फ उसकी लाइन दिखेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जस्टिफिकेशन टूल अनअवेलेबल है, क्योंकि ये जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 3D में, तभी जाकर हमको ये देखने मिलेगा। अनलाइक HVAC डक्टिंग की प्लेस होल्डर, यहाँ पर जब मैं सेक्शन क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर मुझे उसका क्रॉस सेक्शन में उसकी पाइप का डायमीटर एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, वहाँ पर भी मुझे वो लाइन ही दिखेगी। जैसे मैं सेक्शन को राइट क्लिक करके गो टू व्यू करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं अगर फाइन व्यू है तब भी मुझे यहाँ पर वो सर्कल नहीं दिखेगा डायमीटर, जिस तरह की उसमें क्रॉस सेक्शन पूरा एग्जैक्टली दिखता था। और इसे मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट प्लेस होल्डर टू पाइप सिलेक्ट करूँगा, उस तरह यहाँ पर जो भी 20 डाय की मेरी पाइप थी वो मेरी जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पर एक पाइप ड्रॉ करके रखी है जिसका डायमीटर 150, 80 और 20 है, मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद टैब प्रेस करूँगा और सिलेक्ट करूँगा, जैसे इसका सिलेक्शन बॉक्स में क्रिएट करूँगा, यहाँ पर मैं पाइप को देख पाऊँगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मेरी ड्रेनेज की पाइप है छोटी सी, और बाद में आगे जाते जाते यहाँ पर और भी ड्रेनेज की पाइप कनेक्ट हो रही है, इसकी वजह से इसका साइज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ड्रेनेज की पाइप का जो बढ़ने के बाद यहाँ पर जस्टिफिकेशन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं जस्टिफिकेशन पर क्लिक करूँगा, मुझे इसी तरह की एसेंट्रिसिटी करनी है, तो मैं यहाँ पर अलाइनमेंट बॉटम और सेंटर करूँगा और मैं इसे ओके करूँगा। जैसे मैं ओके करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल आप देख रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा।